नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 401 के इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो हमारे हरियाणा में रहने वाले दर्शकों के लिए है। तो अगर आप हरियाणा में रहते हैं और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। तो इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में देखेंगे, तो शुरू करते हैं। तो ये है वो नोटिफिकेशन जो इंडियन आर्मी ने अभी रिलीज़ किया है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से भी, और चाहे तो हमारी वेबसाइट है www.40no.com, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट में तो आपको मिल ही जाएगा। तो उसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है अम्बाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला और चंडीगढ़, जो हरियाणा के अंडर में आता है। तो इन डिस्ट्रिक्ट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी नोटिफिकेशन की तरह आर्मी ने दूसरा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है साथ में ही, ये सेम है बस इसमें डिस्ट्रिक्ट बदल गई हैं। यानी जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं अम्बाला, कैथल, करनाल वगैरह, उनके साथ साथ जो यहाँ पे दी गई है उन डिस्ट्रिक्ट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी हिसर, जिंद, फतेहाबाद और सिरसा, इन डिस्ट्रिक्ट के लोग भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दो अलग नोटिफिकेशन में दिया गया है पर डिटेल सबकी सेम है। इसकी भर्ती जो है 2 दिसंबर 2020 से लेकर 12 दिसंबर 2020 तक चलेंगी और ये राव तुला राम स्टेडियम रिवारी हरियाणा में होंगी। साथ ही दोस्तों ये जो भर्ती होंगी वो सोल्जर ट्रेड्समैन कैटेगरी के लिए है सिर्फ, यानी इसमें जीडी क्लर्क वगैरह के लिए नहीं है, सिर्फ सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए है। तो जो लोग सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए भर्ती है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसका 3 अक्टूबर 2020 से लेकर 16 नवंबर 2020 तक चलेगा, यानी 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में आपने इसके लिए अप्लाई करना है। एडमिट कार्ड जो है 17 नवंबर से आपकी ईमेल आईडी में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, यानी 16 नवंबर को एप्लीकेशन प्रोसेस ख़त्म होगा और 17 नवंबर से एडमिट कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो है इसकी बेसिक डिटेल्स। अब देखते हैं इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपको उसको एलिजिबल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों ये बात तो शायद आपको पता ही होगी कि सोल्जर ट्रेड्समैन की जो है भर्ती होती है वो 10th पास वालों के लिए भी होती है और 8th पास वालों के लिए भी होती है। तो जो 10th पास वाले होते हैं उनको शेफ, ड्रेसर, स्टीवर्ड, वॉशरमैन, टेलर और सपोर्ट स्टाफ, जो इक्विपमेंट रिपेयरर होते हैं, इन पोस्टों पे रखा जाता है, भर्ती किया जाता है। और जो 8th पास होते हैं उनको हाउसकीपर की पोस्ट के लिए रखा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। एज की बात करते हैं दोस्तों, एज इसमें 17.5 से लेकर 23 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके हिसाब से आप 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में पैदा होने चाहिए, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। हाइट आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए, वेट 50 केजी चाहिए और चेस्ट 77 सेंटीमीटर चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट उसमें होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 10th पास के लिए सिंपल है, आपको अगर 10th पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपको 10th पास होना चाहिए और 10th में हर सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 33% होने चाहिए। और 8th पास के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल 8th पास आप होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में 33% भी होने चाहिए। अब इसमें कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि कौन से बोर्ड से हैं, कि बोर्ड के हिसाब से मैटर करता है कि नहीं। तो बोर्ड कोई भी हो चल जाता है, बस वो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से पढ़े हुए हो आपको क्वालिफिकेशन यही चाहिए, कोई अलग क्वालिफिकेशन इसके लिए होती नहीं है। तो यह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यह है इसकी रिक्वायरमेंट, फिजिकल और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। इसके अलावा इसमें रिलैक्सेशन यानी छूट कितनी मिलेगी वो भी दी गई है। तो आपके पास अगर रिलेशन सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसमें आपको छूट इस हिसाब से मिल जाएगी, यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं। आगे दोस्तों इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट बताया गया है। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका 1.6 किलोमीटर रन जो होगा उसमें ये ग्रुप बनेंगे, दो ग्रुप वन और ग्रुप टू। तो ग्रुप वन में आने के लिए आपको 5 मिनट 30 सेकंड में रेस को कंप्लीट करना है, 60 मार्क्स मिलेंगे। और 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में अगर आप रेस को पूरा कर रहे हैं तो आपको 48 नंबर मिलते हैं। इसमें पुलअप्स दोस्तों आपको 10 अगर आप खींचते हैं तो 40 नंबर मिलते हैं, 9 खींचते हैं तो 33, 8 पे 27, 7 पे 21, 6 पे 16, इतने आपको नंबर मिलते हैं। और जो 9 फीट डिच होता है उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, जिगजैग बैलेंस में भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। तो ये इसकी फिजिकल टेस्ट की इन्फॉर्मेशन है। फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में अगर आप पूरी तरीके से फिट हैं तो आपको वहीं पे रिटर्न टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड मिलेगा, और फिर आप जब भी रिटर्न टेस्ट की डेट आएगी तो आप रिटर्न टेस्ट देने उस समय जाएंगे।
तो दोस्तों इस रिक्रूटमेंट में जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ज़रूरी जानकारी थी, वो हमने कवर कर ली है और जो आपको सूचना मेन जो देनी थी वो आपको मिल चुकी है। और जानकारी के लिए आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए और इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आर्मी भर्ती की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी रिक्रूटमेंट आती है हम तुरंत इस चैनल पर अपलोड कर देते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट www.foreowner.com पर भी आप जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे भी आपको पूरा PDF मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।